बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न हल करने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में भी मैंने इसी प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न के हल किए थे। आशा है आपने वीडियो को अच्छी प्रकार देखा होगा, प्रश्नों को समझा होगा। आज भी मैं इसी प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को हल करने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। बड़ी आसानी से मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यदि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं और एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, यानी संपूरक होते हैं एक दूसरे के, संपूरक युग्म होते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास बच्चों, देखिए, यदि एल समांतर एम, ध्यान पूर्वक देखिएगा। पहला चित्र है, चूंकि L समांतर M, ओके, तो इसलिए X इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि संगत कोण है। क्या है ये? संगत कोण, आपस में बराबर होते हैं। दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर चूंकि L समांतर M, L समांतर M, इसलिए 110 धन X, 110 डिग्री धन X इज इक्वल टू 180 अंश। तो X इज इक्वल टू 180 अंश माइनस 110 अंश, X इज इक्वल टू 70 अंश। तो इसको हम लिख देते हैं संगत रैखिक युग्म, संगत रैखिक, ध्यान दीजिएगा, युग्म, संगत कोण रैखिक युग्म। तो इस प्रकार से इसका हल किया जाता है, क्योंकि x धन 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, संपूरक। अब अगला तीसरा प्रश्न, तीसरा चित्र जो है इसमें, तीसरा L समांतर M, ठीक, L समांतर M, तो देखिएगा इसको कैसे हल करते हैं। L समांतर M तीसरा, तो इसलिए चूंकि x धन 2x इज इक्वल टू 180, अब x और 1x, 2x, 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 3, 60 अंश। तो x बराबर 60 अंश। अब यहां पर क्या है, तिर्यक रेखा के ये जो ये है, तिर्यक रेखा, सॉरी, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण संपूरक होते हैं, यानी 180 अंश होते हैं। तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, ठीक। तो इस प्रकार से इनका हल किया जाता है। अब पांचवा प्रश्न देखिए। हाँ बच्चों, पांचवा प्रश्न है, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं, यदि कोण ABC बराबर 70 डिग्री। ये देखिए, कोण ABC, ABC ये वाला कोण 70 डिग्री हो तो कोण DGC, DGC ये कोण, और कोण DEF, ये कोण कितने अंश के होंगे। तो इसमें पहला हल, पहले का, चूंकि
ए बी समांतर डी जी, इसलिए कोण डी जी सी बराबर 70 डिग्री। अब ये क्यों संगत, संगत कोण। दूसरा फिर है, दूसरा है बच्चों डी ई एफ, कोण डी ई एफ। पहले अब इसमें ये समांतर ये जी सी, चूंकि जी सी समांतर ई एफ, जी सी समांतर ई एफ, इसलिए कोण कोण डी ई एफ, डी ई एफ ये 70 डिग्री हो गया। तो कोण डी ई एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ये क्यों होगा, ये भी संगत, संगत कोण, संगत युग्म, संगत युग्म या संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से इसका हल ऐसे किया जाता है। देखिए ये समांतर इसके हो गया तो ये कोण बराबर ये संगत कोण, ये समांतर ये हो गया तो ये कोण बराबर ये कोण संगत कोण। अब अगला प्रश्न है 6। हाँ बच्चों, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब हमने एल और एम समांतर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 44 अंश धन 126 अंश बराबर 6 4 10, यानी 126 और 44 170 डिग्री, जो 180 के बराबर नहीं है, यानी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए L M के समांतर नहीं है। ये पहले खंड का, पहले चित्र का आंसर हो। दूसरा अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा है बच्चों 75 धन 75, क्योंकि ये कोण बराबर ये कोण, तो 75 धन 75 बराबर 150 डिग्री, 75 अंश, 75 अंश बराबर 150 अंश, जो 180 के बराबर नहीं है, क्योंकि इनका भी योग 180 अंश होना चाहिए जो नहीं है। अतः इसलिए एल एम के समांतर नहीं है, ठीक है, एल एम के समांतर नहीं है। अब तीसरा देखिए, तीसरा तीसरा है बच्चों 123 डिग्री धन 57 डिग्री बराबर 180 अंश। ये जो है
क्रॉस्पोंडिंग अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो इनका योग 180 अंश होना चाहिए, इसलिए L समांतर M। ये L और M आपस में समांतर हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है 98 और 72 डिग्री, 98 डिग्री ये डिग्री है और 72 डिग्री, तो इसमें भी इनका योग 180 अंश होना चाहिए। ठीक। चौथा ध्यान दीजिएगा, 98 डिग्री धन 72 डिग्री बराबर 8 2 10 और 7 9 16 117 170 डिग्री, जो नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, 180 के बराबर नहीं है। देखिए 98 डिग्री धन 72 डिग्री इज इक्वल टू 170 डिग्री, जो इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसलिए L M के समांतर नहीं है। तो बच्चों प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्न लगभग मैंने पूरे कर दिए हैं, जो इसमें और अन्य प्रश्न जो छूटे हैं उनको आप स्वयं करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तथा शेयर भी कर दीजिएगा, और अगली वीडियो में बाद में डालूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।